नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और ये क्लास सुबह रोज़ाना 5 बजे आपको मिल जाती है। 5 बजे डेली क्लास होती है और डेली होती रहेगी। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। इंडिया में ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट आपको हर किसी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप वीडियो को एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। जो भी चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे साथियों, बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हो आप। इंडिया में किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी आप करते हो, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा। बहुत अच्छा करंट अफेयर आपको मैं करवाऊंगा, करवाता रहूंगा, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। बस आप एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। प्यारे साथियों, इस क्लास का PDF भी आपको मिलेगा और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको सुबह इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। और PDF के द्वारा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मंथ के लास्ट में आपको मंथ का करंट, पूरे मंथ का आपको PDF प्राप्त होगा। डोंट वरी, टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपका भाई आपके साथ है, बस आपको थोड़ा सा शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं 18 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर 17 दिसंबर आएगा साथियों, 17 दिसंबर यानी क्वेश्चन जो है ना, ये 17 दिसंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन था कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, नया कप्तान कौन बना है। तो दक्षिण अफ्रीका टीम का जो टेस्ट टीम का जो कप्तान बना है प्यारे साथियों, वो बने हैं क्विंटन डीकोक। कौन बना है? क्विंटन डीकोक बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा सही और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य के हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान बजट 2020-21 में कितने संकल्पों को शामिल किया गया था। राजस्थान का जो बजट था 2020-21 का, उसके अंदर कितने संकल्पों को शामिल किया गया था। प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो वो कितने संकल्प थे? तो वो 7 संकल्प थे। अब वो 7 संकल्प कौन कौन से थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 7 संकल्प थे प्यारे साथियों, निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान, शिक्षा का परिधान, पानी बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीकी प्रधान। इस प्रकार के 7 क्या थे प्यारे साथियों, संकल्प थे राजस्थान बजट 2020-21 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान मंत्रालय की स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, उड़ान मंत्रालय की जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर रखा गया। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्रालय है उसने पूरे देश भर के जो एयरपोर्ट हैं उनसे संबंधित एक स्वच्छता के लिए रैंकिंग जारी की थी, उसमें जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला। अब आपके दिमाग में यह भी आया होगा कि फर्स्ट स्थान पर कौन रहा था। तो प्यारे साथियों, पहले स्थान पर रहा था आपका कोलकाता, पहले स्थान पर आपका कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो रहा था, और सेकंड स्थान पर रहा था आपका चेन्नई, और तीसरे स्थान पर रहा था कौन? जयपुर। तो ये दो बात भी आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट पर कोलकाता और दूसरे पर कौन रहा था? चेन्नई रहा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 13वें कोप शिखर सम्मेलन में राजस्थान के किस जीव को CMC सूची में शामिल किया गया था। तो जो 13वां कोप शिखर सम्मेलन आपका गुजरात में हुआ था, उसके अंदर राजस्थान के किस जीव को CMC सूची में शामिल किया गया। तो उस जीव का नाम है प्यारे साथियों, गोडावण। गोडावण को CMC सूची में शामिल किया गया, यानी संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित, सुरक्षित रखने वाली सूची में शामिल किया गया गोडावण को। और गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी भी है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी गोडावण को CMC सूची में शामिल किया गया 13वें कोप शिखर सम्मेलन के दौरान। देखिए, 13वां जो कोप शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। कहां पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, 15 से लेकर 22 फरवरी तक। और इसमें गोडाउन को शामिल किया गया और गोडाउन के साथ साथ में एशियाई हाथी को और बंगाल फ्लोरिकन को, बंगाल फ्लोरिकन को भी CMC सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ध्यान रखना।
गोडाउन राजस्थान का, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन, ये तीन जीव ऐसे थे जिनको CMC सूची में शामिल किया गया था 13वें कोप शिखर सम्मेलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की रोडवेज को न्यूनतम दुर्घटना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो उस राज्य की रोडवे, उस राज्य का नाम है प्यारे साथियों राजस्थान। राजस्थान की जो रोडवेज है, राजस्थान की जो रोडवेज है उसको न्यूनतम दुर्घटना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे कम दुर्घटना राजस्थान रोडवेज से हुई, इसलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किया गया? राजस्थान के वो कौन कौन से जिले थे जिनके अंदर एक साथ डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? तो डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था वो जोधपुर, अजमेर, सीकर, उदयपुर और सिरोही, इन पांच जिलों में एक साथ, इन पांच जिलों में एक साथ डिजिटल हेल्थ सर्वे प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किया गया था। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये जो पांच क्वेश्चन थे ये आपके नवंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 के मध्य के थे। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पटवारी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान की अगर बात करें, अन्य एग्जाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, चाहे वो हरियाणा की हो, क्योंकि हरियाणा राजस्थान के टच में है। और प्यारे साथियों ये जो है ना, ये उस लेवल की एग्जाम के लिए हैं जो आप रेलवे SSC देखे होगे ना, तो उसके लिए भी ये कामगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो शहरी होती है, एक ग्रामीण होती है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? पूरे देश में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर? तो प्यारे साथियों उस जिले का नाम है राजसमंद। कौन सा जिला रहा? राजसमंद रहा पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर। किस किस मामले में? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के मामले में। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। प्यारे साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2022 तक लक्ष्य है कि सभी को घर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वो देश में सबसे टॉप पर रहा था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखोगे प्यारे साथियों राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो BL सोनी जी को किया गया है। किनको किया गया है? BL सोनी जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, BL सोनी जी को आलोक त्रिपाठी जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। आलोक त्रिपाठी जी के स्थान पर, ध्यान रखना BL सोनी जी को आलोक त्रिपाठी के स्थान पर क्या किया गया है? स्थान मिला है, नियुक्त किया गया है राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ठीक है, ACB। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली का जो उद्घाटन है प्यारे साथियों वो आपका किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखोगे बड़े अच्छे तरीके से, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो आपका किया गया था अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का उद्घाटन किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में इज ऑफ बिजनेस की तर्ज पर इज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी, तो वो राजस्थान के अंदर किसने की थी? ये हाल ही में राजस्थान के अंदर इज ऑफ बिजनेस की तर्ज पर ही एक इज ऑफ डूइंग फार्मिंग की क्या की गई है, घोषणा की गई है, वो किसके द्वारा की गई है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो अशोक गहलोत ने इस की घोषणा की थी इज ऑफ डूइंग फार्मिंग। ये फार्मिंग ये किसकी तर्ज पर है? ये इज ऑफ बिजनेस की तर्ज पर है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, तो इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत 1,000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन भी किया। ध्यान रखना प्यारे साथियों राजस्थान सरकार ने इस इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए, इस इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपए के
कर्षक कल्याण कोष का गठन भी किया गया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना। और प्यारे साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए राज किसान साथी पोर्टल को भी तैयार करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृषक कल्याण कोष का गठन क्यों किया गया, तो ध्यान रखना इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए। राज किसान साथी पोर्टल का आयोजन या फिर इसको लॉन्च क्यों किया गया या फिर इसको तैयार क्यों करवाया जा रहा है, तो प्यारे साथियों इज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए। कितने करोड़ रुपए का इसके ऊपर निवेश किया जाएगा? तो 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? अशोक गहलोत ने की है। दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक का क्या नाम है? ओम बिरला ने जो पुस्तक लॉन्च की है 19वीं वर्षगांठ पर, किसकी? संसद हमले, यानी संसद के ऊपर 2001 में जो हमला हुआ था उसकी 19वीं वर्षगांठ है। उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा क्या किया गया? एक पुस्तक लॉन्च की गई है। उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। उस पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों दी शौर्य अनबॉन्ड। दी शौर्य अनबॉन्ड, ध्यान रखना दी शौर्य अनबॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दी शौर्य अनबॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं, तो इस पुस्तक का जो हिंदी संस्करण है उसका शीर्षक भी आपको ध्यान रखना है। उसका शीर्षक है समुन्दर समावे बूंद में। समुन्दर समावे बूंद में, ध्यान रखना। दी शौर्य अनबॉन्ड इसका क्या है? इंग्लिश में शीर्षक है और हिंदी के अंदर इसका जो शीर्षक है वो है समुद्र समावे बूंद में। इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? इसके लेखक हैं नीतू और बी एम दिनाकरण। नीतू और बी एम दिनाकरण, ध्यान रखना ये दोनों इनके क्या हैं? लेखक हैं। और किसने लॉन्च किया प्यारे साथियों? ओम बिरला ने इसको लॉन्च किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वो एक प्रख्यात थे, क्या थे वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, वो थे एरोस्पेस वैज्ञानिक। वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोडम नरसिम्हा, जिनका हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, एरोस्पेस वैज्ञानिक। अच्छा देखिए, नरसिम्हा को एरोडाइनेमिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स का महारथी माना जाता है। नरसिम्हा जो जी हैं उनको एरोडाइनामिक्स और फ्लूड मैकेनिक्स का महारथी माना जाता है। और प्यारे साथियों इन्होंने अब्दुल कलाम के साथ मिलकर के एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डेवलपमेंट इन फ्लूड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये पुस्तक का नाम है जो नरसिम्हा ने अब्दुल कलाम के साथ मिलकर के लिखी थी। और प्यारे साथियों इनको 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत के अंदर जो कीचड़ है प्यारे साथियों उसका प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय जो मिशन है उसका एक संगठन है थिंक टैंक सी गंगा, इसके साथ मिलकर के किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों उस संगठन का नाम है नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक्स रिसर्च ने थिंक टैंक सी गंगा के साथ समझौता किया है कीचड़ प्रबंधन के लिए भारत में। ठीक है, कीचड़ को खत्म करने के लिए ये समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है? जिस प्रकार से फोन पे होता है, पेटीएम होता है, उसी प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू किया है, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है प्यारे साथियों डाक पे। डाक पे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाक पे नाम का जो डिजिटल पेमेंट ऐप है वो किसका है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया, ध्यान रखना। और रविशंकर प्रसाद के पास में कौन सा मंत्रालय है वो भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है प्यारे साथियों। इसके एमडी और सीईओ का नाम है जे वेकेंट रमू, ठीक है, जे वेकेंट रमू। इसका मोटो आपको ध्यान रखना है, आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जो जस्टिस हिमा कोहली हैं उसको हाल ही में किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मैंने आपको बता रखा है जिसके आगे पहला, पहली, एकमात्र नाम जुड़ जाता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अच्छा, अन्य नए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाल ही में कुछ दिनों के अंदर जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जेके माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के, एके गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, एस मुरलीधर ओडिशा हाई कोर्ट के, मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट के, संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और दोस्तों दीपांकर दत्त, एक नाम और याद रख लेना, दीपांकर दत्त बने हैं मुंबई हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के दीपांकर दत्त बने हैं। ये अब नहीं बने थे, ये लगभग बने थे आपके मई के अंदर, मई 2020 में, ना अब की बात नहीं, ये तो मई 2020 के, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा जो पार्क है प्यारे साथियों, उसकी आधारशिला कच्छ में रखी गई है, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है ना, कच्छ में रखी गई है। गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना पीएम मोदी ने की है। देखिए, कच्छ जिले के विगहा कोट गांव के पास यह ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। कितने हेक्टेयर भूमि में? तो प्यारे साथियों, 72,600 हेक्टेयर भूमि में यह फैला है और इसकी उत्पादन क्षमता होगी आपकी 30,000 मेगावाट। दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाइट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, 175 गीगावाइट ना, इसीलिए इतने बड़े बड़े ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जा रही है भारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत ने 2022 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 175 गीगावाइट, ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा प्यारे साथियों, कच्छ में खारे पानी से स्वच्छ पानी का उत्पादन करने वाली समुद्री जल शोधन संयंत्र और एक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र की भी आधारशिला किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी ने रखी है कच्छ के अंदर। कच्छ के अंदर एक तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है, इसके साथ साथ एक समुद्री जल शोधन संयंत्र जो खारे पानी से स्वच्छ पानी का उत्पादन करेगा, और एक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र को भी स्थापित कच्छ में ही किया गया है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो प्यारे साथियों, मानव विकास सूचकांक 2020 में जो भारत रहा है उसकी रैंक है 131वीं रैंक। कौन सी रैंक? 131वीं रैंक। पिछले साल 130वें स्थान पर था, अब की बार 131वें स्थान पर आया है। किसने इसको तैयार किया है? तो यूएनडीपी ने इसको तैयार किया है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको तैयार किया है और इसमें भारत 131वें स्थान पर रहा है। देखिए, पहले स्थान पर आपका इसमें नॉर्वे रहा है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, नॉर्वे प्रथम स्थान पर, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, हांगकांग चौथे स्थान पर, और आपका आइसलैंड 5वें स्थान पर रहा है। चीन की बात करें तो 85वें स्थान पर, श्रीलंका 72वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर, भूटान 129वें स्थान पर, भारत से भूटान आ गया देखो, और बांग्लादेश 133वें स्थान पर, और पाकिस्तान 154वें स्थान पर, और अंतिम अंतिम स्थान पर रहा है आपका नाइजर। मानव विकास सूचकांक का मतलब ये होता है कि मानव का किस प्रकार से विकास हो रहा है, आम आदमी का किस प्रकार से विकास हो रहा है, उस मामले में ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा।
इसमें भारत 131वें स्थान पर है। सोच के देखो, भारत में मानव का विकास कितना रुक चुका है। हमारे से आगे भूटान है, हमारे से आगे चीन है, हमारे से आगे श्रीलंका है, और बड़े बड़े देश तो होने होने हैं प्यारे साथियों। पाकिस्तान भी हमारे मुकाबले में, देख लो 152 131 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बांग्लादेश देख लो, भारत के मामले में बिल्कुल पास है, भूटान हमसे आगे है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। मानव विकास रिपोर्ट 2020 की थीम क्या थी? मानव विकास रिपोर्ट 2020 की थीम आपको ध्यान रखनी है, मानव विकास और मानव विज्ञान। मानव विकास विकास और मानव विज्ञान इसकी थीम थी। और मैं आपको बता दूं, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। पहली बार 1990 में इसको जारी किया गया था, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा। यहां पर हम बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो अचीम स्टीनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देंगे वीडियो को अभी, और अभी वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे साथियों। बहुत मेहनत के बाद ये कंटेंट आपका तैयार हो पाता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च किया है? YSR निशुल्क फसल बीमा योजना को किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, उस सरकार का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने YSR निशुल्क फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ मैं आपको आंध्र प्रदेश का करंट फिर बता देता हूँ प्यारे साथियों। आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, YSR अम्मा बोडी योजना को भी किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना थोड़ू योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। जगन्ना विद्या कनुका योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। नाडू नेडू योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। YSR कापू नेस्तम योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। जगन्ना विद्या दिवेना योजना को भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। और आरोग्य श्री हेल्थ केयर योजना को भी आंध्र प्रदेश ने ही स्टार्ट किया। और अब YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना को भी आंध्र प्रदेश ने ही स्टार्ट कर दिया है। अब प्यारे साथियों, मैं आज आपको आंध्र प्रदेश का स्टेट जीके बताता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को। इसकी तीन राजधानी, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी तीन राजधानियां हैं। तीन राजधानियों वाला एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश। दो तो दो तीनों की हैं, लेकिन तीन राजधानी सिर्फ एक ही है, जो है आंध्र प्रदेश। एक राजधानी अमरावती है प्यारे साथियों, और अमरावती इसकी विधायी राजधानी है। कौन सी राजधानी? विधायी राजधानी। विशाखापट्टनम की अगर बात करते हैं तो ये कार्यपालिका राजधानी आपकी क्या है? विशाखापट्टनम। और प्यारे साथियों, न्यायिक राजधानी आपकी क्या है? कुरनूल है, ठीक है? न्यायिक राजधानी कुरनूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी हैं प्यारे साथियों, और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश का नाम है JK माहेश्वरी। और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो अमरावती में है फिलहाल तो, लेकिन अभी कुछ दिन बाद ये हाईकोर्ट कहाँ जाने वाला है? कुरनूल के अंदर जाने वाला है, क्योंकि कुरनूल यहाँ की न्यायिक राजधानी बन गई है। यहाँ पर अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 25 हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175+1 सीट हैं, और विधान परिषद यहाँ पर 58 सीटें हैं। राजकीय पशु यहाँ का काला हिरण है, जिसको रामा जिंका भी कहा जाता है यहाँ के स्थानीय भाषा में। राजकीय पक्षी का नाम रामा चिलुका, जिसको हम नीलकंठ भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष नीम है, राजकीय फूल चमेली है, और राजकीय खेल कबड्डी है यहाँ का। शास्त्रीय नृत्य प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। यहाँ का लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धी मधुरी, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रसिद्ध बांध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर श्री साइलम बांध और बसवा सागर बांध, दो बांध यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, और दोनों ही कृष्णा नदी के ऊपर बने हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पर जनजाति कौन कौन सी हैं, तो चेंचूस जनजाति, कोडस जनजाति, स्वारा जनजाति और गदवा जनजाति, ये कुछ जनजातियाँ हैं यहाँ की जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का स्टेटिक जीके था, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्रत्येक दिन आपको एक राज्य का मैं आपको स्टेटिक जीके करवाऊंगा, बार बार हम रिपीट करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है, ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत किस, ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इस मिशन के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। जो भी आपके भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता हैं, दोनों को ही क्या किया जाएगा, भारत में जो भी उत्पाद बनते हैं उनके बारे में शिक्षित किया जाएगा। और प्यारे साथियों, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत कंपनियों का मुख्यालय भारत में ही होना चाहिए ताकि उत्पादित सामानों को मेड इन इंडिया का टैग प्रदान किया जा सके। ब्रांड इंडिया मिशन यही चाहता है कि सभी कंपनियों का मुख्यालय भारत में हो और जो भारत के लिए काम करते हैं और जो अन्य जगह मुख्यालय है तो उनका मुख्यालय कहाँ पर होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, जिसके द्वारा हम मेड इन इंडिया का टैग दे सकें। और निर्मित सामान, जो भी सामान निर्मित होते हैं भारत के लिए, उसमें कम से कम 20% स्थानीय सामग्री भी होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हमारे जो स्थानीय लोग होते हैं या फिर जो किसान होते हैं उनको भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने योर्स ट्रूली मारगाजी उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया, योर्स ट्रूली मारगाजी उत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहां पर किया। तो ध्यान रखना साथियों, इसका उद्घाटन किया चेन्नई के अंदर, कहां पर किया, चेन्नई के अंदर। उपराष्ट्रपति जो होते हैं प्यारे साथियों, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ध्यान रखना वेंकैया नायडू। इन्होंने योर्स ट्रूली मारगाजी उत्सव का उद्घाटन किया है चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन, सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसको सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है यह आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, डॉक्टर के सिवान को, डॉक्टर के सिवान को सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर के सिवान DRDO के क्या हैं प्यारे साथियों, अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष। एस बोबड़े कौन हैं, SA बोबड़े हैं, एस यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शक्तिकांत दास आपके RBI के गवर्नर हैं। और रामनाथ कोविंद आपको पता है राष्ट्रपति हैं साथियों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 का विजेता कौन बने हैं, यानी बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 की विजेता कौन बने हैं, तो ध्यान रखना सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इप्पे, दोनों को ही क्या मिला है, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 का विजेता उपयुक्त दोनों, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव इप्पे दोनों बने हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के 16 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, आपसे थोड़ा सा मांगता हूँ, बस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अब प्यारे साथियों, मैं आज का क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आज का क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखना चाहूँगा कि मेरे प्यारे साथी कितना कमेंट कर पाते हैं और कौन कौन इसका जवाब दे पाता है, ये आपको करना है कमेंट। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करो, दमदार तरीके से तैयारी करो साथियों, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हर किसी जगह नहीं मिलेगा, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बस थोड़ी सी इसकी कदर कर लीजिए, वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।